रवि कुमारी झूठी है सर, ठग ली हम लोग को, निर्दलीय में जिता दिए, बीजेपी में नहीं जिताते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और अन्य नेतागण बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। यह बैठक बोचहा उपचुनाव को लेकर आयोजित की गई थी। तभी जो कार्यकर्ता थे वो आक्रोशित हो गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा, जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, उनको दरकिनार किया गया है, जिसके बाद मन से अन्य नेता समझाने की कोशिश में जुटे हुए थे। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से भूमिहार जो समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे थे। बेबी कुमारी झूठी है, बेबी कुमारी झूठी है सर, ठग ली हम लोग को, निर्दलीय में जिता दिए, बीजेपी में नहीं जिताते। तो आपने देखा किस तरह से कार्यकर्ता विरोध करते हुए दिखाई दिए, और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं में प्रत्याशी को लेकर गुस्सा देखने को मिला। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रत्याशी बेबी कुमारी का लगातार इस उपचुनाव में विभिन्न इलाकों में विरोध हो रहा है, जिसमें प्रचार प्रसार करने उतरी एनडीए समर्थित दल, खासकर बीजेपी के कई नेताओं को आम जनों का विरोध का शिकार होना पड़ रहा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह के साथ साथ एमएलसी और कई दूसरे जिलों और प्रदेश नेताओं को भी लोगों ने नहीं बख्शा। सभी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट नहीं करने का मन बना लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए यह उपचुनाव कांटों भरे रास्तों से कम नहीं है। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सामने कार्यकर्ताओं ने इस तरह से प्रत्याशी के नाम पर बवाल कर दिया और स्थानीय नेता पूर्व मंत्री को दरकिनार करने पर सवाल उठाने लगे, तो इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो नाराज दिख रहे हैं। बेबी कुमारी का लगातार विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।